हाँ जी घरे पहुंच गई हैं, काल बात करबे। पांच हुई बहुत सही, जब तक नहीं आया था तब तक गच्च करे हुई थी, अब दोनों साल बहुरिया घूम रही हैं। मिठाई लेके आयो? एसी भी हमें लाए, मिठाई भी हमें लेके आए, इसलिए हम लोग गए थे मीठा लेने। लगने के बाद आ जाती मिठाई, अभी से ढिंडोरा पीट दी होगी पूरे मोहल्ले में। बस शर्माई ना, मिसराइन का खून जला के आई है। एसी कहाँ है? उठाओ पर्दा दे दो, हमारे 50,000 की बलि। ये देखिए मम्मी, फालतू खर्चा बढ़ा के आए। अजीब बात करती हूँ, उन्होंने तो बोला था 2 टन 5 स्टार ले आए। काकी नहीं, घर में जब वाईफाई लगा तब भी वाईफाई वाला एसी लाए, डबल खर्चा लगेगा कि नहीं? अरे पागल औरत, ये एक दिन हमको जेठालाल बना के छोड़ेगी। वाईफाई एसी का मतलब है कि हम फोन से भी चला सकते हैं। ये बताओ भगवना, हम बात बनाओ, हम कितना पानी लागू? अब हमका कैसे पता, हम कौन सा चावल बनावा है कबू? वैसे क्या हमें सपना आएगा, इसमें क्या फंक्शन है? पूछ लो ना, या पहले चुगली करनी होती है। अब एक लगवाइयो की यही पर आ रही। भैया कितनी देर में आओगे शुक्ला जी? क्या एसी लगना है ना? दो एसी वाला बोला है कि 2 दिन बाद आई। पूरे शहर में एक ही आदमी बचा है क्या? किसी और को बुला लीजिए। सीजन चल रहा है, 1400-1500 से नीचे कौनो नहीं लगा रहा, ये कंपनी वाला 500 में लगा के जाएगा। तुम कहे बने इंजीनियर, घूम ही रहे हो, तुम ही लगा लो। अरे हमको नहीं आता ये सब। मम्मी नेट से देख के लग जाएगा, ये लगा लेंगे। क्रिकेट देखना हमको, ये सरदर्दी काम नहीं करेंगे हम। ले लग गया एसी, अब कानून ना निकाल रहे कि इधर लगा दो कि उधर लगा दो। अब चले यो कि साई सगुन बिचारे पड़ी। पहले बिजली का फैसला हुई फिर चली। दिन में 1 से 2 खाना बनेगा तब चलेगा। रात में 9 से 10 खाना बनी तब वहीं चली। फिर सोने के टाइम 12 से 2 टाइमर लगा के चलेगी, उसके बाद में पंखा चलेगा। कुल मिला के 20 यूनिट यानी कि महीने का खर्चा 3500 आएगा। टीवी फ्रिज पंखा वॉशिंग मशीन सब बंद रहेगा आज से। हम पंचे हुई सो मटका का पानी पीती है। अब जोड़ो कितना आएगा? 2100 से 2200 के आसपास आ जाना चाहिए। हम दे दे बिजली बिल का चालू कर दो, हमका लग रही गर्मी। अभी बाहर का डब्बा लगाना बाकी है, उसके बगैर चलेगा ही नहीं। तो आप बैठ कर गए थे? हमको लगा ये ज्यादा जरूरी बातचीत है, पहले इसको निपटा लिया जाए, बजट की बात है। सब सेट हो गया, ये जो पाइप लटक रहा है इसमें बाल्टी लगवा दो। इसको भी बाहरी लटका देते। तभी मम्मी बोले साइंस वाली लड़की से शादी कराओ, लेकिन तुमको बहू चाहिए थी कॉमर्स वाली। पानी का फ्लो उल्टा दौड़वा दे रही महारानी। तो तुम साइंस लेके कौन वैज्ञानिक बन गए हो? करनी तो आपको कॉर्पोरेट स्लेवरी थी। हाँ ठीक है, अब नियम समझ लो ऐसी का, बाहर वाला जो दरवाजा वो सील रहेगा, ना कोई बाहर जाएगा ना अंदर आएगा घर के, ना आते रिश्तेदारों के लिए ऐसी नहीं चलेगा। हमारे मायके वाले? अरे चला लेना, लेकिन कोई गैस पीड़ित होगा उसको बोलना बाहर डुस्की मारे, यहाँ गंदवाएगा नहीं। टाइम के ऊपर एसी नहीं चलेगा, ज्यादा गर्मी लग रही है तो पानी के बौछारे मार लेना, पंखा के नीचे बैठ जाना, ठंडा जाओगी। और जो दरवाजे के सांसे है ना, इसमें कपड़ा ठूस के रखना ताकि हवा बाहर ना जाए। हाँ, आपकी 2 टी-शर्ट लगा दी है। हाँ, हमारी कौन सी टी-शर्ट लगा दी है? एसी चला दो, हमारी खोपड़ी हो ही रही गर्म। पर्यावरण में पेड़ लगाए होते तो एसी की जरूरत ना पड़ती आज की डेट में। लो कंबल ओढ़ लो और तुम चद्दर ओढ़ लो, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली। फिर ना बोलना कि जुकाम बुखार पकाना लग गए हैं। रेडी 3 2 1 क्या हुआ? बत्ती चली गई, वो क्या हुआ? तो बिजली घर फोन मिलाओ। हेलो भैया, बत्ती कब आएगी 786 बी ब्लॉक में? लखनऊ फाटक के बाद ट्रांसफार्मर फूक गया, 2 दिन बाद आएगी। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं छत पे मच्छरदानी लगा के सोने, बत्ती आ जाए तो फोन कर देना। तो भैया इस वीडियो से यह संदेश मिलता है कि प्रकृति में पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, अन्यथा ट्रांसफार्मर के साथ साथ दुनिया भी फूक सकती है। धन्यवाद।